सलमान खान को लेकर सजा का ऐलान हो गया है और अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है, यानी कि अब जो जमानत की राह थी वो यहाँ पर बंद हो गई है। तो आपको बता दें कि सजा लिखी जा कितनी सर सजा हुई है? 5 साल की सजा। ये कन्विक्शन किया गया, अभी वो रिएक्शन कोर्ट के अंदर है। निश्चित तौर पे उनको साथ में ये भी कहा गया है, इसका वारंट तैयार हो गया और उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उनको सबको जाना वापस। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा सलमान खान को 9/51 में दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 10,000 रूपए जुर्माने से आरोपित किया गया है, तथा क्योंकि 5 वर्ष की सजा हुई है उसका गिरफ्तारी वारंट बन चुका है और उसे सेंट्रल जेल भेजा जाएगा, जोधपुर सेंट्रल जेल। निश्चित तौर पे एक जोधपुर सेंट्रल जेल जाके जाएगा। जिस तरह से कोई भी अपराधी किसी को सजा से दंडित किया जाता है, उस सजा का भुगतने के लिए जो सेंट्रल जेल होती है वही चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। निश्चित तौर पे ये नहीं चाह रहे थे, हमने जो कानूनन रूप से जो सही था वो न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उनमें विश्वास था हमें और उसके तहत ही ये जो निर्णय दिया गया है उनका पूर्ण रूप से हम आदर करते हैं और ये निश्चित तौर मान रहे थे। हमें इस तरह की पूर्ण उम्मीद थी कि इस तरह से फैसला आएगा। 5 साल की सजा, 10,000 रूपए जुर्माना। हमारे साथ इस वक्त महिपाल बिश्नोई है जो कि इस पूरे मामले में बिश्नोई समाज की ओर से पैरवी करते रहे हैं। हम महिपाल जी से जानना चाहेंगे सलमान खान को हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है और अब उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। वकील को भी आप सुन रहे थे, उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। तो बहुत 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 बड़ी खबर इस वक्त है। लगभग 20 साल से मामला चल रहा था और लगातार सुनवाई हो रही थी और आपको बता दें कि आज की सुनवाई की बात करें जो बाकी लोग थे उन्हें बरी कर दिया गया, यानी कि जो फिल्म बाकी आरोपी थे। वन्य जीव संरक्षण को लेकर के बिश्नोई समाज सदियों से लड़ता आ रहा है और आज जिस तरीके का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य फैसला है और जिन लोगों को आरोप मुक्त किया है उसको लेकर के हम फैसला आने के बाद समीक्षा करेंगे। खुश है इस फैसले से, साथ में ये भी कह रहा है कि जिन लोगों को बरी कर दिया गया उनके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र डूडी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, बड़ी खबर, 5 साल की सजा हुई है, जरा विस्तार से बताएं। कि सलमान को 5 साल की सजा हुई है, अब निश्चित तौर पर सलमान को जेल जाना पड़ेगा और बिश्नोई समाज है बहुत खुश नजर आ रहा है। बिश्नोई समाज जो है नारेबाजी कर रहा है, बहुत खुश नजर आ रहा है। कोर्ट परिसर में सलमान को ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी कोर्ट के सामने लग चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ से सलमान को लेके चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जितेंद्र, क्योंकि इससे पहले उम्मीद थी कि शायद अगर सजा की मियाद कम हो तो जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब किस तरह से मुश्किल बढ़ गई है सलमान खान की, अब उन्हें जेल जाना ही होगा। जी बिल्कुल, अब यहाँ से इनको जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर 3 साल से कम सजा होती तो निश्चित तौर पर यहाँ जमानत मिल जाती, लेकिन अब इन्हें उच्च एप्लीकेशन दर्ज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इनको जमानत मिलेगी, यानी कुछ दिन के लिए इनको जेल जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जितेंद्र जानना चाहेंगे, जिस वक्त सजा का ऐलान हो रहा था क्या वहां पर और कौन कौन लोग मौजूद थे और सलमान खान का क्या रिएक्शन था, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, सलमान के चेहरे पे बिल्कुल एकदम सी शिकस्त आ गई, यानी सलमान नर्वस हो गए और वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई समाज है वो बहुत खुश नजर है। दूसरी ओर जो सलमान की बहन है अलवीरा, वो सलमान को ढाढ़स बधा रही है, लगातार बधा रही है, लेकिन सलमान का चेहरा साफ, सूत्र बता रहे साफ जो नजर आ रहा था वो बिल्कुल उनके चेहरे पे शिकस्त नजर आ रही थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर शिकन आना लाजमी है। या जाना चाहेंगे जितेंद्र, क्योंकि सलमान खान एक सितारे हैं, फिल्मी हस्ती है और संजय दत्त को भी इससे पहले जेल की सजा हुई थी तो भी वो बड़ा एक मामला था, तो जाना चाहेंगे यहाँ पर बिश्नोई समाज के लोग मौजूद हैं, क्या सलमान खान के प्रशंसक भी आए हैं यहाँ, क्या कोई सलमान की तरफ से भी आम जनता नजर आ रही है? जी, सलमान के जो प्रशंसक है वो जरूर आए हैं, लेकिन उनको भी दूर रखा गया है, वो बिल्कुल नर्वस है, वहाँ से यहाँ से निकल रहे हैं अब सलमान के प्रशंसक, लेकिन बिश्नोई समाज एक तरफ जुटा हुआ है, एक लगातार नारेबाजी कर रहा है
और एक वो अपने आप को कह रहे हैं हमारी जीत हुई है, जिस तरह मूक प्राणी को जो गोली मारी, जिस तरह से उसको मारा, उसको लेकर के उसको जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब सलमान निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। जितेंद्र जानना चाहेंगे कोर्ट की और जो सेंट्रल जेल है जोधपुर की उसके बीच की दूरी कितनी है और कब ले जाया जाएगा और किस तरीके से पहुंचेंगे सलमान खान वहां? जी प्रीति, बताना चाहूंगा कि यहां से जो सेंट्रल जेल है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और निश्चित तौर पर यहां जो गाड़ी पुलिस की लगी है तो संभावना यही जताई जा रही है कि यहां से इनको जेल ही लेके जाएंगे, क्योंकि अब जो 2-3 साल से अगर कम होती तो यहाँ जरूर उनको जमानत मिल जाती, लेकिन अब जमानत मिलने की कोई चांसेस नहीं है, यानी इनको जेल जाना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो अब सलमान खान जो कि एक बहुत लंबे मामले में लगातार अदालतों के फैसले आ रहे थे और कई बार उतार चढ़ाव आए, ऐसा लगा कि शायद बरी हो जाएंगे, फिर ऐसा लगा कि शायद सजा होगी, लेकिन अंततः आज अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी है। तो जितेंद्र जरा जानना चाहेंगे जब फैसला सुनाया जज ने क्या कुछ टिप्पणी की उस वक्त? जी प्रीति, अभी इस मामले अभी सलमान बाहर नहीं आए न जस्टिस कोई, क्योंकि अभी भी रूम बंद है, लेकिन अंदर से जो सूत्र है हमारे उस सूत्रों के जरिए ये पता चल गया है कि उनको 5 साल की सजा हुई है, लेकिन अभी उन न तो सलमान बाहर आए हैं न कोई अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया, जब तक बाहर नहीं आते तब तक उनकी प्रतिक्रिया अभी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। जितेंद्र, जो परिसर है कोर्ट का वहाँ का माहौल कैसा है, और अब जबकि सजा का ऐलान हो चुका है तो पुलिस और ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर है कि कहीं किसी तरह से कोई हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो? जी जी प्रीति बिल्कुल, अब पुलिस इसलिए मुस्तैद है क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो लॉरेंस ने जो धमकी दी है उसके गुर्गे को जेल के अंदर बंद है और अब सलमान भी वहीं जा रहे हैं जेल के अंदर जाना है, तो अब पुलिस को दोनों तरफ से मुस्तैदी रखनी पड़ेगी, जेल के अंदर भी रखनी पड़ेगी, जेल के बाहर भी मुस्तैदी है, यहाँ पे कमांडो फोर्स आ चुकी है, यहाँ तक पुलिस के जो आरएसी के जवान है उनको भी बुलाया गया है, पुलिस की गाड़ियां बुलाई गई है, चारों तरफ सलमान को ले जाने के लिए घेरा बना रहे हैं, यानी जो यहाँ पे जो प्रशंसक है उनको भी हटाया जा रहा है, यानी सलमान को अब सुरक्षा के बीच यहाँ से खेल की ओर ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि एक और विश्नोई समाज है जो इस फैसले से खुश है हालांकि बहुत वक्त लग गया, और दूसरी ओर वो प्रशंसक है सलमान खान के जो थोड़ा सा निराश हैं और दुखी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस को वाकई में स्थिति को संभालना होगा। तो जितेंद्र, जो विश्नोई समाज है उनका कहना है कि जिन लोगों को बरी कर दिया गया अब उस मामले को भी वो आगे ले जाएंगे, यानी कि पूरी जीत अभी से वो नहीं मान रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो विश्नोई समाज के जो है वो उनका कहना है कि जो अन्य जो सह आरोपी थे उन्होंने सलमान को उकसाया, यानी वो भी उतने के उतने दोषी थे, लेकिन उनको छोड़ दिया, उनका गम उनको जरूर है, लेकिन सलमान को जो सजा मिली है उनसे कहीं खुश भी है, बिल्कुल वो खुश भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि 2 दशक लगभग लग गए इस पूरे मामले की सुनवाई में और कई बार उतार चढ़ाव आए, लगा कि शायद बरी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आरोपी ठहराए गए, तो ऐसे में एक अच्छा खासा प्रोसीजर, अच्छा खासा वक्त इस केस में लग गया। जी जी जी, ये बिल्कुल 2 दशक पुराना मामला है, लगभग 20 साल लग गए, यानी जो दलीलें थी उसमें जो रिपोर्ट थी जो ये सारी चीजें लेके यानी बारीकी से जांच की गई, उसके बाद इस मामले में फैसला आया है। आज जो फैसला आया है वो बहुत बड़ा फैसला आया है, बिल्कुल इसमें हॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सलमान को है जो एक लाइव जो है वो भी है, उसके साथ साथ 2 फिल्में भी उनकी है, वो बीच में ठप हो जाएगी, यानी अब सलमान कब तक यहाँ से जेल से बाहर निकलेंगे, तब तक करोड़ों का नुकसान जरूर बॉलीवुड को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर हम कमर्शियल लिहाज से देखें या फिर दूसरे नजरों से देखें तो ये नुकसान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अगर सजा यहाँ पर मिली है, गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी। तो जितेंद्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि विश्नोई समाज भी लगातार डटा रहा, उसने कभी केस को कमजोर होने नहीं दिया, तो विश्नोई समाज की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि अगर वो शुरुआत से था इस मामले में तो किसी तरह के प्रभाव में नहीं आया वो। जी जी प्रीति, देखो विश्नोई समाज जो हिरण है वो अपने हिरणों को अपने बच्चों के समान समझते हैं, अपने बेटे के समान समझते हैं, और उसके उसको मारना
यानी उनके बेटे की जान गई है, इसलिए वो इस मामले में अंत तक डटे रहे, यानी 20 साल से वो इस मामले को खींच रहे हैं और आज उन्हें जाके इस मामले में जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं खुश होने वाली, बिल्कुल जरूर खुश होने वाली बात है, लेकिन उनको गम ये जरूर सता रहा है कि जो तय आरोपी थे वो यहाँ से बरी होके चले गए, ये दुख उनको जरूर सता रहा है। बिल्कुल तो जितेंद्र, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, तो अभी किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, कब तक सलमान खान यहाँ से जेल के लिए उनको ले जाया जाएगा? जी प्रीति, जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी आके लग चुकी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से सलमान को यहाँ से कोर्ट परिसर से जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, चिंकारा शिकार मामले में आखिरकार 20 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है, जहां बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया, वहीं सलमान खान को दोषी पाया गया और 5 साल की सजा सलमान खान को सुनाई गई है और अब से थोड़ी देर में उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी बता रहे हैं कि जिस वक्त फैसला सुनाया गया, उसकी जो एक कह सकते शिकन था पूरी तरह से सलमान खान के चेहरे पर नजर आ रहा था, जाहिर सी बात है कि अब जेल में जाना होगा सलमान खान को, और उनकी बहन जो उनके साथ थी वो भी उन्हें लगातार ढांढस बंधा रही थी। तो जितेंद्र, क्योंकि सलमान की बहन यहाँ आई हुई थी अलविरा, और इसके अलावा अर्पिता, और वो लगातार साथ में रहती हैं सलमान खान के, अब जबकि सलमान खान को 5 साल की सजा हो गई है, यानी कि जेल उनको जाना ही होगा, तो ऐसे में बाकी परिजन भी आ सकते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बाकी परिजन यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब सलमान को जेल हुई थी उनके पिता यहाँ पे पहुंचे थे, तो उनके साथ साथ जिस समय कल सलमान जोधपुर पहुंचे तो उनके साथ सलमान की बहन, उनके जो बॉडीगार्ड थेरा वो भी पहुंचा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि सलमान अपने साथ छोटे भांजे को भी लेके आए, क्योंकि भांजे को वो अपने आप को लकी मानते हैं, उसके साथ अलविरा को भी लकी मानते हैं, लेकिन इस बार इन सलमान का लक बिल्कुल फेल हो गया है यहाँ पे। जी बिल्कुल, या ये कह सकते हैं जितेंद्र की जो भी न्याय था उसकी जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर अपराध किया था और उसकी सजा यहाँ पर दी गई, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मशहूर हस्तियां होती हैं कहीं ना कहीं उसका असर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन संजय दत्त का मामला हो या फिर सलमान खान का मामला हो, दो ऐसे मामले हैं जिनमें इन अपराधियों के, या जो भी आरोपी कहें दोषी कहें, इनके प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया और जो भी मामला था वो पूरी तरह से यहाँ पर न्याय के साथ संपन्न हुआ है। तो सलमान खान अब थोड़ी ही देर में यहाँ से जोधपुर सेंट्रल जेल जाएंगे, हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी जो हमें लगातार बता रहे हैं, और इसके लिए तैयारियां की गई है, क्योंकि एक तरफ विश्नोई समाज है जो काफी खुश है, हालांकि उसको इस बात का अफसोस जरूर है कि कुछ लोग छूट गए हैं, अब उनके खिलाफ वो आगे फिर से पैरवी करेगा, लेकिन जो सलमान खान के प्रशंसक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी तरह का टकराव ना हो, क्योंकि भावनाएं हैं अपनी अपनी जुड़ी हैं, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए पुलिस फोर्स भी खास तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है। तो जितेंद्र, जानना चाहेंगे गाड़ियां वगैरह आ गई जिसमें सलमान खान को लेकर जाया जाएगा यहाँ से? जी बिल्कुल, गाड़ी पुलिस की गाड़ी कोर्ट रूम के बिल्कुल सामने खड़ी है और यहाँ से कोर्ट रूम से सलमान को लेके जाएंगे, उसके साथ साथ बाहर भी पुलिस की गाड़ियां तैनात की गई है, उसके साथ साथ जो सेंट्रल जेल तक जो है पुलिस के जवान रोड पे तैनात किए गए हैं कि ऐसा ना हो कि रस्ते में कोई पत्थर चला दे या कुछ भी हादसा अगर हो जाए, इस वजह से पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है, उसके साथ साथ आरएसी की जवान जो पहुंचे कोर्ट रूम के बाहर खड़े किए गए हैं, उसके साथ साथ कमांडो भी पहुंचे हैं, यानी सलमान को पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से जेल में जाया जाए। बिल्कुल, तो जितेंद्र थोड़ा हम इस केस के जो पृष्ठभूमि है वहां जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से मामला शुरू हुआ था और क्या क्या प्रोसीडिंग इसमें बीच बीच में होती रही। जी प्रीति, ये मामला है 1998 का है, उस समय जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ है, उसको लेकर के ये सारे अदाकार और अभिनेता यहाँ पहुंचे थे, उस रात ये उमेद होटल में ठहरे हुए थे और रात को सलमान ने यहाँ से कहा कि अपन कहीं घूमने चलते, उसको लेके निकले भी थे, गाड़ी जिप्सी लेके गए थे, काकानी गांव पहुंचे, वहाँ हिरण का शिकार किया था, ये मामला चला था जो आज चलता आ रहा है, यानी 2 दशक से चलता आ रहा है। जी बिल्कुल, तो 2 दशकों का ये मामला, और कहीं ना कहीं जितेंद्र सजा का ऐलान हुआ जरूर है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो कानून व्यवस्था है या जो न्याय मिलने का वक्त है वो कितना
ज्यादा लग जाता है और कितनी धीमी रफ्तार से ये मामले यहाँ पर चलते हैं। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि 5 साल की सजा सलमान खान को दी गई है, अगर ये सजा 3 साल से कम की होती तो तुरंत जमानत भी मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब सलमान खान को जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल उन्हें जो सीजीएम कोर्ट है वहां से जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि सलमान खान को बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा। तो बड़ी खबर जो लगातार हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे ही यहां ऐलान किया जज ने सलमान खान की सजा का, तो उनके साथ जो उनकी बहनें मौजूद थी वो फूट फूट कर रोने लगी और सलमान खान के चेहरे पर भी तनाव और दुख कह सकते हैं वो साफ नजर आ रहा था। तो आज जोधपुर सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 1 में ले जाया जाएगा सलमान खान को, बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी जो बता रहे हैं कि ठीक जो कोर्ट का गेट है उसके सामने गाड़ी खड़ी है, सलमान खान इसमें बैठेंगे और यहां से उन्हें जेल ले जाया जाएगा। किसी तरह का रास्ते में कोई तनाव ना हो, किसी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई यहां स्थिति ना बिगड़े, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ रामपाल भवाज जो कि विश्नोई समाज के नेता हैं जुड़ चुके हैं। तो रामपाल जी स्वागत है आपका, इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? धन्यवाद आप सब लोगों का जी। 20 साल के बाद भी फैसला आया है, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट हूं और समाज ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है इस फैसले को लेकर के। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है मामला दर्ज था, उसमें समय लगा, समय लगने के बावजूद भी 5 साल की सजा हुई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि आने वाले समय में जो हमारा ये आंदोलन जो है वो बड़ा एक नई मुहिम लेगा और हम खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर और भी सह आरोपी थे, यानी कि तब्बू की बात कर, नीलम, सैफ अली खान, बाकी को बरी कर दिया गया, तो इस बात को लेकर कुछ और आगे आप लोग कार्रवाई करेंगे या लगता है कि जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है? नहीं, पूरा फैसला मैं सही इसको नहीं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि दूसरे जो आरोपी सह आरोपी लोग हैं वो बरी हुए हैं या आरोप मुक्त हुए हैं। वो फैसला हमने जो है वो वकीलों के माध्यम से फैसले को कॉपी निकलवा के हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो 6 आरोपी अगर बचे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम ने जो है उनको आरोप सिद्ध करने में कहीं ना कहीं थोड़ा फेलियर साबित हुआ है। तो एक तरफ हमें संतुष्टि भी है, दूसरी तरफ हमें ये आशंका भी है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो 6 आरोपी उसके साथ थे वो किस तरीके से बचे हैं। उस फैसले का आने के बाद हम विश्वास समाज राजस्थान सरकार के न्याय विभाग से मिल करके हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी तुरंत प्रभाव से आरोपी बनाया जाए, उनके खिलाफ जो है हम कॉपी लेकर के और उसके ऑर्डर की कॉपी लेकर के हम अपील करने की हम राज्य सरकार से मांग करते हैं जी। तो रामपाल जी, इसी पूरे मामले में 20 साल लग गए, अभी आगे आप और लड़ाई रखेंगे, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, तो क्या तैयार है आप लोग इसके लिए? जी बिल्कुल, हम सदियों से 550 साल पहले से हम लोगों ने इस आंदोलन को, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें एक शिक्षा दी है कि जीव दया पालनी रोग लीलो नहीं खावे, इस बात को लेकर के हमारे बुजुर्ग सदियों से इस बात को वन्य जीवों के लिए शहादत देते हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और मैं ये मानता हूँ कि विश्व पटल पे इतना बड़ा उदाहरण, 363 शहीदों का उदाहरण अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। वो चीज जो जीवों के लिए, जो पेड़ों के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसको लेकर के इस आंदोलन शुरू से जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो आने वाली हमारी इस इंटरनेट के जमाने में